गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लेसन नंबर 4 ऑफ इंग्लिश, ऑफ टू स्कूल, स्कूल के लिए निकलना है ना। तो हम इसमें किसकी स्टोरी पढ़ने वाले, फ्रॉग और उसके स्कूल की, ठीक है। सो क्रॉक क्रॉक टाइम टू गेट अप, फ्रॉग बोलता है क्रॉक क्रॉक, उठने का समय हो गया है। फ्रेडी द फ्रॉग ओपन्स वन आई, ही इज स्टिल स्लीपी, जो फ्रेडी द फ्रॉग था उसने अपनी एक आँख खोली लेकिन अभी भी उसे कैसा महसूस हो रहा था कि उसे अभी भी नींद आ रही है और उसे उठने का मन नहीं कर रहा है। ही डज नॉट फील लाइक गेटिंग अप। ओके, नाउ गेट अप फ्रेडी, ममा फ्रॉग वॉइस इज फर्म, फ्रेडी जम्प्स इनटू द पॉन्ड फॉर अ क्विक वॉश। जो ममा फ्रॉग थी, इन फ्रॉग की जो ममा थी, उसने बोला, उन्होंने बोला बहुत मोटी आवाज़ में, फ्रेडी जल्दी से उठ जाओ। और जैसे ही उन्होंने आवाज़ लगाई तो फ्रेडी ने फटाक से पोंड में जंप मारी और जल्दी से फटाफट नहाकर बाहर आ गया। ब्रू, क्या बोलता है, ब्रू द वाटर इज़ कोल्ड, वाटर इज़ कोल्ड दैट मीन्स कोल्ड मतलब ठंडा, और पानी कैसा लग रहा है उसे, ठंडा लग रहा है। विंटर इज़ नियर, विंटर विंटर मतलब सर्दी का मौसम करीब आ रहा है। फ्रेडी लव्स विंटर, फ्रेडी को किससे प्यार था, उसे विंटर बहुत पसंद था, सर्दी का जो मौसम रहता है उसे बहुत पसंद था। अब क्यों पसंद था, देखिए, ही गोज टू स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम इन विंटर, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टाइम तक सो सकता था इन मौसम में, है ना, क्योंकि इन मौसम में जो हमारा स्कूल है वो लेट लगता है ठंडी के मौसम में, तो उसे मज़ा आता है कि मुझे और सोने को मिलेगा। There is no school and best of all no homework, even the teacher sleep, बोलता है कि ना ही स्कूल जाना है, ना कोई काम है, और अच्छा है ना ही कोई होमवर्क करना पड़ेगा, और इवन द टीचर भी, मतलब टीचर भी सोएंगे, है ना। तो नेक्स्ट फिर क्या है, गेट रेडी फ्रेडी कॉल्स हिज मदर, यू आर लेट। ओके, नाउ उसके बाद क्या होता है कि फ्रेडी जो रहता है वो लेट होने लगता है। फ्रेडी स्वेलर्स टू फ्लाइज फॉर ब्रेकफास्ट, ही होप्स टू स्कूल एंड रीचेज जस्ट इन टाइम, द स्कूल बैल रिंग्स एज ही जम्प्स ओवर द गेट। जो फ्रेडी यहाँ इस पर बैठा हुआ है और वो ब्रेकफास्ट में क्या कर रहा है, ये जो दो फ्लाइज उड़ रही है उन्हें ब्रेकफास्ट में खा रहा है ना। ही होप्स द स्कूल एंड रीचेज जस्ट इन टाइम, उसने सोचा कि मैं टाइम पर स्कूल पहुँच जाऊँगा, लेकिन एकदम से क्या होता है कि स्कूल की बैल बजती है और वो जल्दी से फटाफट अपने स्कूल के गेट जो है उस पर जंप मारता है। ओके, नाउ दिस पार्ट आई विल सेंड इन द सेकेंड वीडियो। ओके।